15 अगस्त से पहले देश भर में स्वतंत्रता दिवस की खुशबू फैलने लगी है। जगह जगह जश्न का माहौल है, ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में पटना प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। दरअसल 15 अगस्त को शहर के गांधी मैदान में राजकीय समारोह का आयोजन होगा। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कई VVIP हस्तियां शिरकत करने वाली हैं। पटना में सुरक्षा के मद्देनजर इस अवसर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। यातायात पुलिस SP अशोक चौधरी ने बताया कि गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को लेकर खास सतर्कता बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के दिन गांधी मैदान और उसके आसपास की सड़कों पर आम वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से समारोह की समाप्ति तक इन मार्गों पर यातायात बंद रहेगा। VVIP और आपातकालीन वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन को न्यू डाक बंगला रोड से SP वर्मा रोड में एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर आप पटना में रहते हैं और कल के दिन बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ये रूट जान लें। हम आपको कुछ ऐसे रास्तों की जानकारी देंगे जहां 15 अगस्त के लिए नो एंट्री है। साथ ही हम आपको कुछ अल्टरनेटिव रूट के बारे में भी बताने वाले हैं। सिटी बसें, ऑटो और अन्य कमर्शियल गाड़ियां अल्टरनेटिव मार्गों पर चलेंगी। इन वाहनों को चिरैया ताड़ दुर्गा मंदिर के पास से गोरिया टोली GPO गोलंबर से बुद्ध मार्ग की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। नेहरू पथ और डुमरा चौकी से भट्टाचार्य चौराहा तक और पुलिस लाइन तिराहा से कमर्शियल वाहनों को पूर्व की दिशा में गांधी मैदान की ओर जाने पर रोक रहेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज से सिटी बसें गांधी चौराहा, मछुआ टोली, दरियापुर तिराहा से नाला रोड, पीर मुहानी, CDA बिल्डिंग गोलंबर होते हुए पटना जंक्शन जाएगी। सिटी की ओर से आने वाले ऑटो और ई रिक्शा मुसल्हपुर हाट होते हुए बारी पथ से खजांची रोड तक चलेंगे। ये भी बताते चले कि गांधी मैदान के अलावा शहर के कई हिस्सों में छोटे छोटे समारोह का आयोजन होगा। स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम होंगे। पटना प्रशासन ने सभी नागरिकों से दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शांति और अनुशासन के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की है। लोकल 18 के लिए पटना से उद्धव कृष्णा की रिपोर्ट।